हाय गाइस, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ऑल अबाउट हेयर पे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको पतले बालों पे बहुत अच्छी कट बताऊंगी, जिसमें कि आपके पास साथ प्रॉब्लम होते कई बार कि बहुत पतले बाल होते हैं और आपको समझ नहीं आता कि कैसे करना है कैसे नहीं। और इनकी लेंथ भी देख सकते हो, लेंथ तो बट मीडियम है लेकिन बाल बहुत पतले हैं। तो सबसे पहले हम बालों को गीला कर लेंगे अच्छे से, और गीला करके उसे कॉम करेंगे, सुलझा लेंगे ताकि कोई भी वेव नज़र ना आए। और इसमें मैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से कट करूँगी, आप भी देखेंगे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो अपने तरीके से कुछ भी आप बालों में कट कर सकते हो। काफ़ी ऐसे हेयर कट हैं जिनमें कि लगते स्टेप जैसे हैं, लेयर जैसे हैं, लेकिन डिफरेंट तरीके से किए गए होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले हम कॉम करने के बाद 0 डिग्री पे कट करेंगे, ताकि हमें इन्हें लेंथ ज़्यादा नहीं कटवानी होती है, तो इनको डर लगा रहता है ज़्यादा ना कट जाए। तो उसके अकॉर्डिंग एक हम गाइडलाइंस बनाएंगे 0 डिग्री पे कट करके, ताकि इनके हेयर इससे ज़्यादा ना कटें लेंथ से। जितना भी हेयर काटेंगे हम ऊपर सेक्शन वाइज लेंगे, जो उसमें ही कट करेंगे। और इसमें मैं सिर्फ 2 सेक्शन पे ही काम करूँगी। ये हमने 0 डिग्री पे दिया है। इसके बाद अपनी कॉम लेंगे और अच्छे से कॉम कर लेंगे, और फ्रंट ईयर अपने आईब्रोज के पॉइंट से, कॉर्नर से हम दोनों साइडों से बाल ले लेंगे, इधर आईब्रो से उधर आईब्रो से, इस तरीके से। और क्राउन एरिया से भी आप चाहेंगे तो राउंड में ले लेंगे, आप चाहेंगे तो वी शेप में ले लेंगे, और इन्हें अच्छे से बांध लेंगे। ये हमारा अलग सेक्शन होगा, ताकि हम बालों में बाउंस देने के लिए इनको अलग से कट करें। आप चाहते तो आप इन्हें एक सिंपल पोनी में भी ले जाके कट कर सकते थे, बट उसमें ज़्यादा बाउंस नहीं आता है, इसलिए हमने इसे 2 सेक्शन में डिवाइड किया है। और आप देखेंगे लास्ट में कितना अच्छा कट होगा, और अच्छे तरीके से सारे बालों को एक सार कर लेंगे और ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। मैं पूरे बालों को एक पोनी में ही लूँगी, बट जो क्राउन एरिया हमने बांधा है उसे नहीं लूँगी, इस तरीके से। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। और नीचे साइड में जो बेल बटन है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इतने सारे सब्सक्राइब करने के लिए मेरे सब्सक्राइब करो, बहुत बहुत थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप ये देख रहे हो कि मैंने सारे बालों को, जो भी हमने लेंथ पे छोड़े थे बैक में, उन सबको मैं ऊपर लेके आई हूँ, और अपने फ्रंट से और बैक तक उस तरीके से फिंगर को रखा है मैंने, और वहीं से हम स्ट्रेट कट करेंगे। आप चाहेंगे तो इसमें नोचिंग के तरीके से कर सकते थे, बट मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कट किया है और छोड़ दिया है। बाद में देखेंगे हम उन्हें क्या करना है और ज़्यादा, और यहाँ से खोलेंगे हम इन्हें भी बिल्कुल स्ट्रेट करके सेंटर में लेके जाएंगे। अपना फ्रंट से बैक तक का सेंटर फिंगर रखेंगे, ईयर टू एक फिंगर हम रखते हैं ईयर टू ईयर, वहाँ पर मैं वो नहीं रख रही हूँ। इस तरीके से मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, वर्टिकल या ओरिजेंटल नहीं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, कि आपको समझ ना आए, मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप ईयर टू ईयर ले सकते हो या मैं फ्रंट से बैक तक स्ट्रेट फिंगर ले रही हूँ यहाँ पर, तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएगा। इस तरीके से हम फिंगर को रखेंगे और सारे बालों को बिल्कुल ऊपर लेकर जाएंगे अपने, और आप देखेंगे इनमें अलग से आ जाएगा। और थोड़े से हेयर गाइडलाइंस के लिए हम उठा लेंगे, इस तरीके से उठा लेंगे गाइडलाइंस के लिए, और इनको भी बिल्कुल स्ट्रेट में लेकर जाएंगे। अभी मैं आपको पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, थोड़ी सी अभी मुझे प्रॉब्लम हो रही है वीडियो शूट करने में, तो आप समझ सकते हो काफ़ी दिन से काम में बिजी हूँ। और इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, कोई भी डिफरेंट कट नहीं देंगे। और ये आप लेंथ देख सकते हो कितनी गई है, लेंथ नहीं है जो हम हम स्टेप देंगे, ये उसका उसी में स्टेप आ जाएंगे हमारे, लेंथ हमने बचा के रखी हुई है। और एक बार दोबारा से चेक करेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा हेयर निकलेंगे उन्हें कट कर देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम बालों को छोड़ेंगे, और आप छोड़ने के बाद इनका लुक देखेंगे कितना हैवी आएगा, और हमारी लेंथ भी वहीं की वहीं है। इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा रोशनी में दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ आ जाए और सही दिख जाए। और बाद में जब हमारे पास लेंथ हमने स्ट्रेट कट में की थी तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, आप यू वी कोई भी शेप इनके बालों में दे सकते हैं। और आप स्टेप भी देख सकते हैं कितने ऊपर से स्टेप आए हैं, थोड़ा सा मैं साइड करके दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए कि क्या लुक आ रहा है इनके हेयर का। इस तरीके से थोड़ा तिरछी बैठी हुई थी तो आपको लग रहा होगा कि तिरछा कट हो रहा है, और ये आप स्टेप भी देखेंगे और लेयर भी देखेंगे और बालों में बाउंस भी देखेंगे। तो इस तरीके से किसी भी तरीके से आप कट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और आप स्टेप भी देख सकते हो, हमारे नेक से भी ऊपर से शुरू हो रखे हैं और लेंथ भी हमारे पास पूरी है, और बाल भी देख सकते हो कितने हैवी लग रहे हैं। इस तरीके से आपको अच्छा लग रहा होगा कट, तो मुझे भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। उसके बाद हम चलेंगे अपने फ्रंट सेक्शन पर, फ्रंट से मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं करूँगी। इस तरीके से चलेंगे हम अपने फ्रंट सेक्शन पे, ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे ये इस तरीके से। अब बिल्कुल मैं आगे से नहीं दूंगी, क्योंकि स्टूडेंट है तो इन्हें लॉन्ग चाहिए थोड़े से हेयर, और बिल्कुल स्ट्रेट
तिरछे में ही कट करूँगी ताकि हमारे बैक के बालों में आकर मिक्स हो जाए और काफ़ी अच्छे स्टेप भी आए। ये इस तरीके से देखेंगे आप, जब स्टेप को ऊपर उठाएंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे हमारे बालों में और काफ़ी अच्छा लुक आएगा और क्लचर भी आसानी से लग पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल और आसान तरीके से बताया मैंने आपको। आप चाहेंगे तो इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो अपने हेयर कट को डिफरेंट बनाने के लिए। इधर साइड से भी लेंगे और उसी तरीके से कॉम करते हुए कट करेंगे। बिल्कुल आप जानते हो फ्रंट कट मैं कितने अलग अलग तरीक़ों से कर सकती हूँ, कर देती हूँ, तो आप भी उस तरीके से कर सकते हो। और यहाँ मैं सिंपल यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल, और इसे भी अपनी बैक कट में मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे इनका लुक भी कितना अच्छा आएगा। इस तरीके से कॉम करेंगे तो हमारे पिछले बालों में मिक्स हो जाएंगे और हमारे हेयर कट का लुक आप कंप्लीट देख सकते हो और स्टेप भी देख सकते हो कितने ऊपर से आ रहे हैं। तो आप इसे मल्टी स्टेप भी का भी लुक दे सकते हो या मल्टी स्टेप लेयर का भी लुक दे सकते हो और आप लेंथ भी देख सकते हो। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। और आपको बहुत बहुत थैंक यू।